कैप्टन मोदी की सुरक्षा चूक पर सवालों में घिरी चन्नी सरकार की ढाल बनकर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू सामने आए, जो खुद चरणजीत सिंह चन्नी को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। ते मैनू दसो ओ डेढ़ साल उथे पए रहे ते तुहाडे किसे मीडिया मुड़िया ने कख नहीं बोलिया ते कल थोनू 15 मिनट रोकना पै गया ते आऊं होगी ठोको ताली टका। कांग्रेसी कुछ भी तर्क दे, जबकि पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने पूरे मामले को लेकर पंजाब के सीएम चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी पर सवाल उठाए हैं। इसने काम नहीं है, काम करना है। ये जिम्मेवार है चीफ मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ पंजाब, उन्होंने जिम्मेवारी लेनी चाहिए। किसी आई जी कर दो, किसी डी जी कर दो, क्या मतलब है? इन्होंने कटो तो उन्होंने जिन्होंने इतने अनगहली की। पीएम की सुरक्षा पर हुई चूक के सारे सबूत चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि ये सिर्फ लापरवाही का मामला नहीं है, लेकिन अफसोस कि कांग्रेस अभी भी पूरे मामले में लीपापोती की कोशिश कर रही है। ये बयान देते प्रधानमंत्री जी कि मैं सुरक्षित लौट आया, इसलिए धन्यवाद, आपको कौन सा थ्रेट हो गया था? ऐसी क्या घटना घट गई जो ये बयान देने की जरूरत पड़ी आपको? इसका मतलब यह है कि विशुद्ध रूप से आप राजनीति कर रहे हैं। सुरक्षा तो एक बहाना है, आप केवल राजनीति चमकाने गए थे। कांग्रेसी कुनबे की तरह राकेश टिकैत जैसे आंदोलनजीवी भी अपना ज्ञान बघार रहे हैं। टिकैत ने ट्वीट कर कहा कि पूरे मामले पर भाजपा ही झूठ बोल रहे हैं। साथ ही उन्होंने पूरे मामले पर केंद्र और राज्य सरकार की मिलीभगत का भी आरोप लगा दिया। बहरहाल सियासत अपनी जगह होनी चाहिए, सियासी मतभेदों पर तीखे वार पलटवार भी होने चाहिए, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ ही खिलवाड़ करने लगे, इसको कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।